ये माफी मांगना चाहते हैं। अगर 7/5/2023 को ये हमें एजिटेशन करना पड़ा तो मजबूरन हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हमारे जो हमारा अपना पेट नहीं पल रहा, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीसें देना मुश्किल हो गई है। तो मैं गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, माननीय परिवहन मंत्री मोदी जी से, माननीय निगम प्रबंधन मोदी जी से कि समय रहते हमारी मांगों को माना जाए और इस जो ये मौका आने वाला है, टाइम आने वाला है 7/5/2023 को पूरे प्रदेश की जनता को परेशानियां होने वाली हैं, उसको रोका जाए, अन्यथा मजबूरन हमें अब मजबूरी में, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मजबूरी इतनी हो गई है कि हम मजबूर होकर बेबस होकर इस एक कड़े निर्णय लेने पे बाध्य हुए हैं, हमें कड़े निर्णय लेने पड़े हैं। जिस आदमी को सैलरी कभी 3 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 28 तारीख को, कभी 3 तारीख मिलती है, 5 तारीख को उसकी किस्त जाती है, तो उसके ऊपर ओवरड्यू जो है बैंक भी काटता है, तो आज की डेट में सैलरी जो है हमारी वो किस्तों में जा रही है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि समय रहते संगठन को वार्ता के लिए बुलाया जाए। रूट कोई नाइट जाता है, चाहे हमारा रूट कोई दिल्ली को जाता है, बिल्कुल भी नाइट सेवा लेके हम नहीं जाएंगे, दिन दिन में ड्यूटी करेंगे, रात्रि सेवा के लिए हम नहीं जाएंगे, कर देते हैं। लेकिन ये संगठन को बिल्कुल मान्या नहीं है। एक तो फरवरी महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है, और वो लॉलीपॉपों से संगठन नहीं मानने वाला, क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, पीछे भी बहुत छल हुआ है, पिछली सरकारों में हमने एजिटेशन की, इन्होंने माना कि एक महीना पिछले पुराना देंगे, एक महीना हम रेगुलर का देंगे, लेकिन वो एक या दो महीने एक्टिविटी चली और उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। तो इस बार हम बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, हमारे साथ बैठकर वार्ता की जाए और हमारे को कोई स्थायी हल दिया जाए, अन्यथा ये होकर रहेगा। ओवर टाइम नाइट हमारा 41 महीनों का बैलेंस पड़ा है सरकार के पास और प्रबंधन के पास, ये 41 महीनों का लगभग 1.5 करोड़ रुपया एक महीने का पड़ता है, तो 60-65 करोड़ के करीब करीब हमारा ओवर टाइम नाइट इनके पास पड़ा है। डीए के एरियनों को लगा के 4/9/14 के एरियन लगा के आज की डेट में अरबों रुपया जो है प्रबंधन के पास है, सरकार के पास हमारा पड़ा हुआ। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से सरकार आई, इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, इन्होंने ओपीएस बहाल की, उसके लिए मैं पूरे एचआरटीसी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि सरकार को आए 3 महीने हुए हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जब हमें सैलरी नहीं मिल रही हो, जब हमारा ओवरटाइम नाइट नहीं मिल रहा हो, जब हमारा पेट भूखा हो, तो इस में हमारी मजबूरी बन जाती है, इस मजबूरी के कारण हमें ये एजिटेशन करने पड़ रहे हैं। डीए और हमारा अरबों के हिसाब से 65 करोड़ तो हमारा ओवरटाइम नाइट बनता है। 2016 से पे कमीशन मिला, उस पे कमीशन का जो एरियर बनता है वो बैलेंस है, 4/9/14 की हमारी कोई इंक्रीमेंट लगी वो बैलेंस है, मेडिकल के रिवर्समेंट बिल जो है वो हमारे पेंडिंग है। आपने देखा होना कि पेंशनर भी रोजाना इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि उनको भी पेंशन जो है वो 28 तारीख को, कभी 26 तारीख को मिल रही है। तो इस वजह से हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी, चाहे वो सेवा में एचआरटीसी में सेवा दे रहा हो, चाहे वो सेवानिवृत्त हो गया हो, पूरे का पूरा कर्मचारी जो है बहुत दुखी है। इसीलिए मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय डिप्टी सीएम मोदी जी से मैं हम निवेदन करें, संगठन निवेदन कर रहा है कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए और स्थायी हल इसका निकाला जाए। मैं मानसिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर जी।